Hello, welcome to this video. In this video, I explain about experiment, design and experiment. Now, I start from experiment. Meaning of the term experiment. Experiment meaning kya hai? Experiment planned research conducted for certain period to obtain new facts. What is experiment? Experiment क्या है? Planned research conducted for certain period, जिसको हम conduct कर रहे हैं certain period के लिए to obtain new facts, यानी कि कुछ नई हकीकत को जानने के लिए, और to confirm or refute the results of previous study. या फिर क्या कर रहे हैं? Confirm करना चाह रहे हैं, refute करना चाह रहे हैं results of previous study. करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंट. एक एक्सपेरिमेंट की खासियत क्या होती है? नीड्स अ हाइपोथेसिस टू बी नलिफाइड. ठीक है, नीड्स अ हाइपोथेसिस टू बी नलिफाइड. इन्वॉल्व्स, सेकंड क्या है इसकी करैक्टरिस्टिक? इन्वॉल्व्स ऑब्जर्वेशन, कलेक्शन एंड मेजरमेंट्स ऑफ डेटा ऑन द एक्सपेरिमेंट्स एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट्स and its analysis and interpretations. इसकी खूसियत में क्या है? हम इन्वॉल्व करते हैं ऑब्जर्वेशन को, कलेक्शन को. एक्सपेरिमेंट में हम यही करते हैं ना कि आपको लेबॉरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. केमिस्ट्री का स्टूडेंट है तो लेबॉरेटरी में जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है ऑब्जर्वेशन लेता है, कलेक्शन करता है उन डाटा की और मेजरमेंट करता है डाटा की. किसकी? जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. Needs appropriate designing to get authentic results. हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है कोई मुनासिब डिज़ाइनिंग करने के लिए? किसके लिए? गेट ऑथेंटिक रिजल्ट. ऑथेंटिक रिजल्ट हम हासिल करने के लिए किसी अप्रोप्रिएट मुनासिब डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ती है. Helps researcher to get an answer to some questions or to make an inference about some phenomenon. ये क्या करता है? एक्सपेरिमेंट हेल्प करता है रिसर्चर टू गेट एन आंसर टू सम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चनों के आंसर करने के लिए. टू मेक एन इन्फ्रेंस, और क्या करता है इन्फ्रेंस? इन्फ्रेंस का मतलब आपको पता, हम डाटा लेते हैं, सैंपल लेते हैं, सैंपल से हम इन्फ्रेंस क्या करते हैं? रिजल्ट अखद करते हैं फॉर पॉपुलेशन, जिधर से हमने सैंपल लिया होता है अबाउट सम फिनोमिना. क्लियर? स्टेप्स इन कंस्ट्रक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट. कौन कौन से स्टेप हैं एक्सपेरिमेंट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए? सिलेक्शन, फर्स्ट स्टेप है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम. जो हमें प्रॉब्लम आ रही है उसकी हम सिलेक्शन करें बेस्ड ऑन करंट इश्यूज, जो हम इश्यूज आ रहे हैं, इट्स रेशनल. गैदरिंग, सेकेंड क्या? गैदरिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम के रिलेटेड हम स्टडी करना चाह रहे हैं. क्लियर? इस प्रॉब्लम के रिलेटेड हम ठीक, गैदरिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रॉब्लम, सेटिंग द हाइपोथेसिस एंड द ऑब्जेक्टिव्स. जो भी हमारे प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी? हमारा करंट इशू हो गया बेस्ड प्रॉब्लम इश्यूज के ऊपर. हम क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं अगर किसी को में हम सर्च करना चाह रहे हैं. जैसे आजकल कोई भी टेस्ट ले लें, मेडिकल टेस्ट ले लें, कोई भी टेस्ट, आप कह रहे हैं कि चेक करना चाह रहे हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है किसी डिजीज की वजह से. अगर उसका हम सैंपल लेते हैं और उसके मुतल्लिक इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, जैसे आजकल कोरोना की डिजीज चली हुई है, तो रिलेटेड देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें को अफेक्ट करता है. जो ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, इसके मुतल्लिक हम रिसर्च कर रहे हैं, तो क्या होगा इसके रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन करेंगे. गैदरिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रॉब्लम, सेटिंग द हाइपोथेसिस एंड ऑब्जेक्टिव. हम क्या करेंगे? स्टेटमेंट बनाएंगे कि किस वजह से ये अफेक्टेड हो रहा है. एक हाइपोथेसिस बनाएंगे, उसकी ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब करेंगे कि कौन कौन से आ रहे हैं इसमें, ऑब्जेक्टिव इसके क्या, हम हमारी स्टडी के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, हम क्या सर्च करना चाह रहे हैं. डिफाइनिंग द मटेरियल्स एंड मेथड्स, हम जो भी मटीरियल यूज़ कर रहे हैं और मैथड अप्लाई कर रहे हैं, उसको हमने डिफाइन करना है कि फलां मटीरियल से हम ये कर रहे हैं काम और मैथड कौन से लगा रहे हैं. ठीक है,
कमेंसमेंट ऑफ वर्क एंड कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, कमेंसमेंट ऑफ वर्क एंड कलेक्शन ऑफ डेटा, और कमेंसमेंट ऑफ वर्क एंड कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स कंसीडरिंग ऑब्जर्वेशंस ऑफ अदर रिसर्चर्स। क्या करते हैं हम कमेंस में, कलेक्शन ऑफ डाटा की, इंफॉर्मेशन और एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स कंसीडरिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर रिसर्चर्स, दूसरे रिसर्चर्स की ऑब्जर्वेशन को, रिजल्ट को कंसीडर करते हुए उनको ऑब्जर्वेशन कंसीडर कर लेते हैं जो किसी और ने सर्च की होगी। कंक्लूजन एंड लास्ट स्टेप है कंक्लूजन और रिकमेंडेशन ऑन द फाइंडिंग, जो हम फाइंड करते हैं उसके ऊपर हमने जो कंक्लूजन ड्रा करने होते हैं, रिकमेंडेशन करनी होती है ऑन द फाइंडिंग। अब चलते हैं एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स और रेप्लीकेशन क्या होता है। ये बेसिक पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं, एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स क्या हैं, रेप्लीकेशन क्या हैं। फर्स्ट आई इंट्रोड्यूस टू एक्सपेरिमेंटल यूनिट इज अ मटेरियल। अब एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या है, इज अ मटेरियल टू विच द ट्रीटमेंट इज अप्लाइड, जहाँ क्या होता है ट्रीटमेंट को हम अप्लाई करते हैं, ये हो गए एक्सपेरिमेंटल यूनिट। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप प्लॉट्स, जैसे जो हमारे पास क्रॉप है उसके प्लॉट्स जिस पे हमने कोई ट्रीटमेंट लगाने हैं, जैसे हम खाद का कंडीशन लगा देते हैं कि अगर हम इतनी खाद डालें तो क्या रिजल्ट हासिल होंगे, ठीक है। ये क्या हो गया एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट प्लॉट्स हैं हमारे पास, जमीन है तो डिफरेंट प्लॉट्स पे हमने जो ट्रीटमेंट लगाए हैं, एक को ज़्यादा खाद डाली है, एक को कम डाली है, ये जो कंडीशंस होती हैं जो हम सेट करते हैं ट्रीटमेंट्स होते हैं, या क्या है कैटल मेशी एट्सेट्रा, ठीक है, जिन पर हम एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, कोई मेडिसिन का या कुछ भी करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये हो गया एक्सपेरिमेंटल यूनिट। करेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स इज दैट दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। अब खूसियत क्या है एक्सपेरिमेंटल यूनिट की, हर एक जो है एक दूसरे से क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट होता है, कोई भी एक यूनिट दूसरे पर इन्हासार नहीं करता, ठीक है। सैंपल क्या है, मे बी अ पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट, ये क्या हो सकता है एक्सपेरिमेंटल यूनिट का पार्ट भी हो सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ चिकन इन अ केज, यानी किसी पिंजरे में जो नंबर ऑफ चिकन हैं, यानी चूजे वगैरह को हमने बंद किया हुआ है, मुर्गों को बंद किया हुआ है, तो इधर से हम क्या करेंगे डिनोट्स चिक, जो हम चूजा निकालेंगे एज अ सैंपल, एंड केज जो पिंजरा जिससे हम निकाल रहे हैं वो क्या होगा यूनिट होगा। जैसे पिंजरे पड़े हुए हैं उनमें जानवर रखे हुए हैं, मुर्गे रखे हुए हैं, अगर एक मुर्गे को हम निकालते हैं किसी भी एक केज से, जिस केज से निकालते हैं वो क्या हो जाएगा उसका एक्सपेरिमेंटल यूनिट हो जाएगा, और जो चिकन निकाल रहे हैं वो क्या है हमारे पास, वो क्या मुर्गा जो हमने निकाला वो सैंपल हो जाएगा। अगेन इन द एक्सपेक्टेड ऑफ वेट गेन ऑफ कॉफ, ठीक है, बछड़ों का वेट जो गेन कर रहे हैं, और कॉफ क्या है ये बछड़ा, इज बोथ एक्सपेरिमेंटल यूनिट एज वेल एज सैंपल, ये क्या है एक्सपेरिमेंटल यूनिट भी है और सैंपल भी है। अब नेक्स्ट है रेप्लीकेशन, रेप्लीकेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ ट्रीटमेंट। रेप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रीटमेंट टू मोर देन वन एक्सपेरिमेंटल यूनिट, यानी कि वन एक्सपेरिमेंटल यूनिट को जो हम ट्रीटमेंट मोर देन वन टाइम, जो हम एक दफ़ा से ज़्यादा बार किसी ट्रीटमेंट को एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट पर अप्लाई करते हैं वो क्या हो जाएगा इसका रेप्लीकेशन। दे आर सेवरल एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स ऑल ट्रीटेड सिमिलरली, क्या होता है मुख्तलिफ जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट है उनको ट्रीट करते हैं हम सिमिलरली, यानी कि एक कंडीशन लगाकर उसको ट्रीट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा इसका रेप्लीकेशन। एक्सपेरिमेंटल एरर क्या है, एरी वेरिएबिलिटी इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बायोलॉजिकल मटेरियल्स, ये क्या है बायोलॉजिकल मटेरियल की खासियत क्या है, वेरिएबिलिटी यानी वेरिएशन जो होती है, टोटल वेरिएबिलिटी। अब टोटल वेरिएबिलिटी कैन बी पार्शलीड, अब इसको अलहदा कैसे किया गया है, इन टू और ड्यू टू, किसकी वजह से, एक्सप्लेन्ड एंड अनएक्सप्लेन्ड कॉजेज। टोटल जो वेरिएबिलिटी आती है उनके पार्शनेट कैसे की गई, यानी कि उनको अलहदा अलहदा कैसे किया गया है, पार्ट्स में कैसे किया गया है, एक तो एक्सप्लेन्ड और अनएक्सप्लेन्ड कॉजेज। एक्सपेरिमेंटल एरर इज ऑफ टू टाइप्स, अब एक्सपेरिमेंटल की कितनी टाइप हैं, टू हैं, सिस्टमेटिक एंड रैंडम। सिस्टमेटिक एरर में क्या होगा, सिस्टमेटिक एरर चेंज द मेजरमेंट्स इन अ कंसिस्टेंट वे और कम फ्रॉम डेफिनेट सोर्स। फॉर एग्जांपल ये किस वजह से हो सकती है सिस्टमेटिक एरर, हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट को अप्लाई कर रहे हैं
उसमें कोई डिफेक्ट आ सकता है इंस्ट्रूमेंट में, अगर डिफेक्ट होगा तो जाहिर बात है जो हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं उनमें एक्सपेरिमेंटल एरर आ जाएगी। ठीक है, जो हम एक्सपेरिमेंटल अप्लाई कर रहे हैं क्या है, एग्जाम्पल क्या, अनयूनिफॉर्म इन द यूनिवर्स सच एज अनकैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट, यानी कि अनकैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर आ जाए फुमाइश करते टाइम या जो हम इंस्ट्रूमेंट कर रहे हैं अगर उनमें कोई डिफेक्ट होगा जिसकी वजह से ये आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सिस्टमेटिक एरर। अब रेंडर एरर अकर ड्यू टू रेंडम एंड अनप्रडिक्टेबल फिनोमिना, ये किस वजह से होता है, ड्यू टू रेंडम एंड अनप्रडिक्टेबल, जो हम प्रडिक्ट नहीं कर सकते फिनोमिना उसकी वजह से जो आता है, दे प्रोड्यूस वेरिएबिलिटी विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन, जो रेंडम एरर से हमारे पास वेरिएबिलिटी आती है उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यानी अनएक्सप्लेन वेरिएशन होती है, रेंडम एरर्स कैन बी मिनिमाइज। अब एरर, रैंडम एरर को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रेप्लिकेट्स, क्या नंबर ऑफ रेप्लिकेट्स को इंक्रीज करने से रैंडम एरर कम हो जाती है। अब एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या है, व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, द टर्म एक्सपेरिमेंटल डिजाइन रेफर्स टू अ प्लान फॉर असाइनिंग एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स, क्या किसे प्लान जो हम प्लानिंग कर रहे हैं फॉर असाइनिंग एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स टू ट्रीटमेंट्स, इसको हम कंडीशंस कहते हैं, इन अ सिस्टमेटिक वे सो दैट द रिजल्ट कैन गिव मीनिंगफुल आउटपुट, ताकि हमें जो रिजल्ट हैं मीनिंगफुल आउटपुट दें, इट इज नॉट जस्ट डिस्क्राइबिंग द नेचुरल इवेंट, ये क्या अकेला हमें नेचुरल इवेंट को नहीं डिस्क्राइब कर रहा थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट, बट इट इज मोर ऑफ ट्रीटिंग द ऑब्जर्वेशन and measurement in a planned way to illuminate the effect of any change in conditions, ठीक है, ये भी explain कर experimental design, the importance of experimental design also stops from the quest for inference about effect of causes or relationships as opposed to simply description, simply description के oppose जो होता है, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आल्सो स्टॉप्स फ्रॉम द क्वेस्ट ऑफ इन्फ्रेंस अबाउट इफेक्ट ऑफ काजेज, किस वजह से ये इफेक्ट ऑफ काजेज और रिलेशनशिप में कौन से इफेक्ट किस वजह से आ रहे हैं, जो सिंपल ऑपोजिट है सिंपल डिस्क्रिप्शन के, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है। रिसर्चर आर रेयरली satisfied to simply describe the events they observe, क्या होता है, rarely कम chances में satisfied होते हैं to simply describe the events they observe, they are want to make inference about what produced, contribute or caused events, वो क्या करते हैं, चाहते हैं कि हम inference draw करें किसके about जो उन्होंने produce किया है या जो उन्होंने contribution की है या कोई caused events हैं, क्लियर। अब कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप, ये क्या है, कॉज जो होती है जिसकी वजह से कोई अफेक्ट आता है किसी डिपेंडेंट चीज में, जैसे हमने रिग्रेशन और कोरिलेशन में स्टडी किया है, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से जो चेंज आ रही है डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे वाई था हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको आउटकम कहते हैं, रिस्पॉन्स वेरिएबल भी कहते हैं, तो ये रिलेशन हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, अगर अदर जो फैक्टर है उनको हम कन्फाउंडिंग वेरिएबल कहते हैं, ठीक है, इनके अलावा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा अदर जो फैक्टर्स होते हैं उनको कन्फाउंडिंग वेरिएबल भी कहते हैं, तो क्या अफेक्ट आ रहा है किसी इंडिपेंडेंट की वजह, रीजन तो यही मान रहा है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो इसके ऊपर अफेक्ट डाल रहा है, तो क्लियर हो गया कॉज अफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप, इसको अदर जो फैक्टर है उनको हम कन्फाउंड कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, अब टर्मिनोलॉजी के रिलेटेड चलते हैं कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है जो हमने अप्लाई करनी है, क्या है, ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट क्या है, अ कंडीशन और सेट ऑफ, ट्रीटमेंट की डेफिनेशन क्या है, कंडीशन और सेट ऑफ कंडीशन दैट इज इम्पोज्ड ऑन अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स बाय द एक्सपेरिमेंटर इज कॉल्ड ट्रीटमेंट, क्या जो कंडीशन लगाई जाती है इम्पोज की जाती है किसी एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट जिस पर हम स्टडी कर रहे होते हैं यानी सब्जेक्ट होता है, बाय द एक्सपेरिमेंटर जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो लगाता है इज कॉल्ड ट्रीटमेंट। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल की डेफिनेशन एनी कंसेप्ट और थिंग और इवेंट दैट वेरीज और कैन बी मेड टू वेरी, ठीक है, एनी कंसेप्ट और थिंग और इवेंट दैट वेरीज और कैन बी मेड टू वेरी एंड इज रिलेटेड टू द रिसर्च कैन बी कॉल्ड अ
वेरिएबल, जो क्या है, कोई भी चीज जो वेरी हो सकती है, जिस तब्दील हो सकती है, रिसर्च के रिलेटेड जो खुद वेरी हो सकती है, रिलेटेड टू रिसर्च कैन बी कॉल्ड अ वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? द वेरिएबल डैट इज चेंज्ड बाय द चेंज ऑफ एन अदर वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल जो चेंज हो जाए किसी और वेरिएबल में चेंज की वजह से, इज कॉल्ड अ डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेरिएबल डैट इज नॉट चेंज ड्यू टू द चेंज इन एन अदर वेरिएबल, rather when it changes also causes change in another variable, clear? जिसमें अपने में चेंजिंग आने की वजह से किसी और वेरिएबल पर इसकी चेंजिंग आ जाए, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन उसमें कोई चेंज ना आए दूसरे वेरिएबल के चेंज होने से। रैंडोमाइजेशन क्या है? द प्रोसीजर इन विच एलिमेंट्स, यानी सब्जेक्ट्स, जो एलिमेंट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम स्टडी करना चाह रहे हैं, आर असाइंड टू डिफरेंट ग्रुप्स एट रैंडम। जो हम प्रोसीजर कर रहे हैं इसमें एलिमेंट आर असाइंड टू डिफरेंट ग्रुप्स एट रैंडम, यानी कि विदाउट एनी बायस हम जो असाइन कर रहे हैं वो रैंडमाइजेशन है। अब रेप्लिकेशन क्या है? रेपिटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट, यानी कि एक्सपेरिमेंटल यूनिट की रेपिटेशन हो इन अ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में विच इज इंटेंडेड टू मिनिमाइज द एक्सपेरिमेंटल, जो क्या हो जाएगा इंटेंडेड टू रेप्लिकेशन ही कहा था ना, जो उसको हम रेपिटेशन करें बार बार तो वो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज कर देगा एक्सपेरिमेंटल एरर जो हमने पहले स्टडी किया है, इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। नल हाइपोथेसिस, द अजम्पशन दैट देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या होगा, हम अजम्पशन बनाते हैं कि कोई भी इफेक्ट नहीं है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स कैन बी क्लासिफाइड एज एदर कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल वेरिएबल। अगर आपको फैक्टर की बात की जाए तो ये दो तरह की क्लासिफिकेशन है इसकी, एक कंट्रोलेबल है और अनकंट्रोलेबल वेरिएबल है। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल इन केक मेकिंग, अगर आप केक बना रहे हैं तो इनमें कंट्रोलेबल फैक्टर्स आर द इंग्रेडिएंट्स, जो आप इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं फॉर द केक एंड ओवन दैट द केक इज बेक इन, और जिस ओवन में आप उसको पका रहे हैं बना रहे हैं वो क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर क्या हो जाएंगे, कंट्रोल फैक्टर, कंट्रोलेबल फैक्टर या वेरिएबल जिसको हम बोलते हैं। लेवल्स क्या हैं और सेटिंग ऑफ ईच फैक्टर क्या करते हैं, जो हम सेटिंग करते हैं ईच फैक्टर, एग्जांपल सेटिंग्स ऑफ ईच फैक्टर। लेवल्स क्या, एग्जांपल इंक्लूड द ओवन, जब हम ओवन को टेम्परेचर सेटिंग करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एंड द अमाउंट ऑफ शुगर फ्लोर एंड एग्स, जो हम जितनी मकदार में वो चीज़ें डाल रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, उसका लेवल हो जाएगा केक बनाने में, और जो टेम्परेचर हमने सेट किया वो क्या, सेटिंग ऑफ ईच फैक्टर, हर एक फैक्टर को जो हमने सेटिंग किया हुआ वो क्या हो जाएगा, उसका लेवल हो जाएगा, यानी कि डिफरेंट जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उनका जो हमने सेटिंग की हुई है क्या हो जाएंगे, उसके लेवल्स हो जाएंगे। रिस्पॉन्स क्या है, आउटपुट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जो हम आउटपुट मिलती है एक्सपेरिमेंट की वो क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है। इन द केस ऑफ केक मेकिंग द टेस्ट consistency and appearance of the cakes are measurable outcomes potentially influenced by the factors and their respective levels. Clear हो गया, ये diagram से भी देखते हैं, factors क्या है, oven है हमारे पास, input variables sugar है, flour है, eggs है, तो क्या level हमने set कर दिया उसका, temperature कितना रखना है, cup में कितना डालना है sugar को, ठीक है, फ्लोर को कितना कप में डाल रहे हैं और अंडे कितने ले रहे हैं, तीन ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया, अगर तीन हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके लेवल सेट हो गए। अब इसके रिस्पॉन्सेज क्या हैं, आउटकम्स ऑफ करैक्टरिस्टिक्स, एग्जांपल्स ऑफ करैक्टरिस्टिक टेस्ट कलर और कंसिस्टेंसी, जो हम केक बनने के बाद जो हमें रिजल्ट मिल रहे हैं, हम खा रहे हैं केक का जायका है, कलर किस तरह का है, तो वो क्या हो जाएंगी, इसके करैक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी। अब देखें वाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, किस वजह से इसको यूज़ करते हैं, ऑब्टेन मैक्सिमम इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्यूएस्ट एक्सपेरिमेंट, किस वजह से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हासिल करने के थोड़े से एक्सपेरिमेंट से, मिनिमाइज द टाइम स्पेंड इन गैदरिंग डाटा, टाइम जो स्पेंड करते हैं हम उनको मिनिमाइज कम करने के लिए, क्वांटिफाई इफेक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट फैक्टर्स यूजिंग एनालिसिस, ठीक है, क्वांटिफाई करते हैं इफेक्ट को डिफरेंट फैक्टर से यूजिंग एनालिसिस, डिटरमिन इफ अ फैक्टर इफेक्ट इज सिग्निफिकेंट,
अगर फैक्टर इफेक्ट जो है सिग्निफिकेंट हो तो उनको हम डिटरमिन करते हैं। डिफरेंस माइट बी रैंडम वेरिएशन, डिफरेंसेस किस वजह से आ सकते हैं, रैंडम वेरिएशन कॉज्ड बाय मेजरमेंट एरर, किस वजह से मेजरमेंट एरर की वजह से आ सकते हैं, पैरामीटर और नॉट कंट्रोल, जो पैरामीटर नॉट कंट्रोल हो उसकी वजह से भी आ सकते हैं। अ गुड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन सर्व थ्री पर्पजेज, ठीक है, गुड जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है उसके तीन मकसद होते हैं, ठीक है। कॉजेशन, ये हमें क्या देता है, इट अलाउज द एक्सपेरिमेंटर टू मेक कॉजल इन्फ्रेंस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या होता है, रीजन को बताता है, अलाउ क्या करता है, अलाउ एक्सपेरिमेंटर टू मेक कॉजल इन्फ्रेंस, कॉजल इन्फ्रेंस किस वजह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आ रहा है, ठीक है। ये रिलेशन बताता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की चेंज की वजह से क्या, किस वजह से अफेक्ट हो रहा है। कंट्रोल क्या है, सेकंड क्या है, तीन पर्पस होते हैं कंट्रोल, इट अलाउ द एक्सपेरिमेंटर टू रोल आउट अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन ड्यू टू अफेक्ट ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल। अब एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या है, जिसको हम कन्फाउंडिंग वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल अदर देन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा जो वेरिएबल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं हम, एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो ये क्या है, अच्छा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, एक क्या, एक तो कॉजेशन देता है, रीजन बताता है किस वजह से अफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल में, इसके बाद हमें इन्फ्रेंस देता है कि हम कोई रिजल्ट अखज कर सकें, क्लियर। दूसरा है कंट्रोल, इट अलाउ द एक्सपेरिमेंटर, ये क्या अलाउ करता है एक्सपेरिमेंटर टू रोल आउट अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन, अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन को ड्रा करने के लिए ड्यू टू इफेक्ट्स ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, क्लियर। अब थर्ड है वेरिएबिलिटी, इट रिड्यूसेस वेरिएबिलिटी विद इन ट्रीटमेंट कंडीशंस। अच्छा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या है, वेरिएबिलिटी को क्या करता है, इट रिड्यूसेस वेरिएबिलिटी विद इन ट्रीटमेंट कंडीशंस व्हिच मेक्स इट इजियर टू डिटेक्ट डिफरेंसेस इन ट्रीटमेंट आउटकम्स। क्या हो जाता है, इजियर, जो इजी कर देता है डिटेक्ट डिफरेंसेस इन ट्रीटमेंट आउटकम्स में। अब प्रिंसिपल्स क्या है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर आर ए फिशर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर रैंडमाइजेशन रेप्लिकेशन एंड एरर कंट्रोल। तीन जो बेसिक प्रिंसिपल हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट जिसको कहते हैं हम, रैंडमाइजेशन एंड रेप्लिकेशन आर डिस्क्राइब। क्लियर, रैंडमाइजेशन के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया है, क्लियर। रेप्लिकेशन के बारे में, इधर हम एरर कंट्रोल के बारे में स्टडी करते हैं। ऑल दो एवरी एक्सपेरिमेंट वुड प्रोवाइड एन एस्टिमेट ऑफ एरर वेरियंस, इट इज नॉट डिजायरेबल टू हैव लार्ज नंबर ऑफ एरर, वुड प्रोवाइड एन एस्टिमेट ऑफ एरर वेरियंस, जो हमें क्या करता है, एरर वेरियंस प्रोवाइड करता है, इट इज डिजायरेबल टू हैव लार्ज नंबर ऑफ एरर, जो डिजायरेबल है लार्ज नंबर ऑफ एरर के लिए, दे आर मेजर्स टू रिड्यूस एरर वेरियंस, क्या करता है, रिड्यूस करता है, मेजर टू रिड्यूस एरर वेरियंस, एरर वेरियंस को मिनिमाइज, जो क्या करता है, रिड्यूस करता है। दिस मेजर ऑफ रिड्यूसिंग द एरर वेरियंस इन एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एरर कंट्रोल। दिस मेजर ऑफ रिड्यूसिंग द एरर वेरियंस, जो क्या करता है, ये जो मेजर हम इस्तेमाल कर रहे हैं एरर वेरियंस को कंट्रोल कर रहा है, क्या कहलाता है, एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एरर कंट्रोल। देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग एरर कंट्रोल, क्या है, दो मेथड हैं एरर जो कंट्रोल को कम करने के लिए। वन इज टू मेक एक्सपेरिमेंटल यूनिट, पहला तो क्या है कि एक्सपेरिमेंटल यूनिट को हम क्या करें, होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या होते हैं, यूनिट्स जो एक जैसे हों उनको एक ग्रुप में कर लें। तो पहले तो है कि एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स एक जैसे होने चाहिए, होमोजीनियस का मतलब ये है कि एक जैसे खसूसियत जो रखते हों तो एक ग्रुप में पाए जाएंगे तो वो क्या हो जाए, होमोजीनियस। द अदर इज, दूसरा क्या है, टू फॉर्म एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स इनटू सेवरल होमोजीनियस ग्रुप्स कॉल्ड ब्लॉक्स। जो हमारे पास अगर एक्सपेरिमेंटल यूनिट सेम नहीं है, डिफरेंट टाइप्स के हैं, जो एक जैसी प्रॉपर्टीज रखते हैं उनको हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर लें, जो एक जैसे हैं उनकी प्रॉपर्टीज की बेस पर उनको अलग-अलग कर लें, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास ब्लॉक्स बन जाएंगे, डिफरेंट ग्रुप्स होंगे कॉल्ड ब्लॉक्स, जिसको हम ब्लॉक्स कहते हैं। इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन डिजाइनिंग एन एक्सपेरिमेंट, कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं एक डिजाइनिंग करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट को। द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम शुड बी क्लियरली डिफाइंड,
जो हम स्टेटमेंट या कोई प्रॉब्लम के लिए स्टेटमेंट दे रहे हैं वो क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। द एक्सपेरिमेंटर मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। एक्सपेरिमेंटर को पता होना, अंडरस्टैंड होना चाहिए कि वो क्या करने जा रहा है, हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम, और कैसे वो टैकल कर रहा है प्रॉब्लम को। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथीसिस शुड बी डन प्रॉपरली। क्या होता है कि हाइपोथीसिस को आपने प्रॉपरली तौर पर क्या करना है, डन करना। दस द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा कैन बी डिटर्मन, ताकि अगर हमारा हाइपोथीसिस प्रॉपरली हम डिफाइन कर सकेंगे तो तब भी हमें पता है हमने कौन सा मेथड अप्लाई करना है कलेक्शन करने के लिए डाटा को। ठीक है, डाटा कैन बी डिटर्मन, डाटा को कैसे हम डिटर्मन कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट शुड बी कंडक्टेड अकॉर्डिंगली एंड प्रॉपर स्टैटिस्टिकल टेक्निक आर टू बी अप्लाइड ऑन डाटा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक्सपेरिमेंट शुड बी कंडक्टेड अकॉर्डिंगली एंड प्रॉपर स्टैटिस्टिकल टेक्निक, जो प्रॉपर स्टैटिस्टिकल टेक्निक हैं उनको हमने अप्लाई करना है ऑन द डाटा, जो हमने डाटा कलेक्ट कर लिया। फिर क्या करना है, ड्राइविंग अ वैलिड कंक्लूजन इज द क्रूशियल पार्ट। अब हमने जो कंक्लूजन निकालना होता है वैलिड, ठीक है, उसके लिए बहुत ही फैसला कुन ये पार्ट है ऑफ द डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। सो केयरफुल कंसिडरेशन टू बी गिवन टू द वैलिडिटी ऑफ द कंक्लूजन फॉर द पॉपुलेशन ऑफ इवेंट्स टू विच दे आर टू अप्लाई। क्लियर हो गए स्टेप्स, हो गए डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के। टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, कंप्लीट रेंडोमाइज डिजाइन है, रेंडोमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन है, रेंडोमाइज ब्लॉक डिजाइन है, लैटिन स्केयर है। इसको आप सी आर डी कह सकते हैं, ये वन वे ओनोवा ही होता है। आर सी बी डी टू वे ओनोवा क्लासिफिकेशन है। लैटिन स्केयर है, फैक्टोरियल डिजाइन है, स्प्लिट फ्लोर डिजाइन है। एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, हम अब एग्जाम्पल लेना चाह रहे हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की। कंसिडर द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट, एक्मी मेडिसन इज कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट अ न्यू वैक्सीन। क्या कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट टेस्ट अ न्यू वैक्सीन डेवलप टू इम्यूनाइज पीपल अगेंस्ट द कॉमन कोल्ड। डेवलप करने के लिए क्या, इम्यूनाइज पीपल को, इम्यूनाइज कर यानी कि इम्यून सिस्टम को ज़्यादा बनाने के लिए कॉमन कोल्ड के अलावा एक कोई वैक्सीन है वो देंगे, उसके टेस्ट करना चाह रहे हैं। टू टेस्ट द वैक्सीन एक्मी हैज 1000 वॉलंटियर्स, 500 मैन एंड 500 वोमेन। द पार्टिसिपेंट्स रेंज एज रेंज फ्रॉम 21 to 70। ये एज कहाँ से है, 21 से 70 तक के जो उन्होंने एम्प्लॉय लिए, वॉलंटियर्स लिए हुए हैं। क्लियर, उन्हें 500 मैन है और 500 वोमेन का सैंपल लेना है और उनको ऊपर वो मेडिसिन टेस्ट करनी है उनको दे के, कि उनके इम्यूनाइज सिस्टम ठीक हो रहा है कम हो रहा है कोल्ड के रिलेटेड। इन दिस लेसन वी कैन डिस्क्राइब टू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। इस लेसन में हम कौन से दो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को डिस्क्राइब करेंगे, आ कंप्लीट रेंडोमाइज डिजाइन जिसको सीआरडी कहते हैं, और रेंडोमाइज ब्लॉक डिजाइन आरसीबीडी जिसको बोलते हैं, एंड अ मैथ मैच्ड पेयर डिजाइन। एंड वी शो हाउ ईच डिजाइन माइट बी अप्लाइड। हम ये भी डिस्क्राइब करेंगे क्यों हम इसी डिजाइन को अप्लाई करते हैं एक्मी मेडिसिन टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ द वैक्सीन। क्या करना चाह रहा है, अंडरस्टैंड करना चाह रहा है इफेक्ट, जो इफेक्ट आ रहे हैं वैक्सीन के, वाइल रूलिंग आउट कंफाउंडिंग इफेक्ट्स ऑफ अदर फैक्टर्स। क्या रूलिंग आउट कंफाउंडिंग इफेक्ट्स ऑफ अदर फैक्टर्स, दूसरे जो कंफाउंडिंग इफेक्ट्स हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, उनको नज़रअंदाज करते हुए इसका इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं। क्लियर, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एनालिसिस ऑफ वेरियंस, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन या जिसको एनालिसिस ऑफ वेरियंस हम कहते हैं। कंप्लीटली रेंडोमाइज डिजाइन क्या, व्हाट इज सी आर डी, इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ बेसिक डिजाइन, मे बी डिफाइंड एज अ डिजाइन इन विच द ट्रीटमेंट्स आर असाइंड टू एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स कंप्लीटली एट रेंडम। क्या है, ये सिंपलेस्ट बेसिक डिजाइन है जो डिफाइंड डिजाइन इन विच ट्रीटमेंट्स, जिसमें ट्रीटमेंट कैसे असाइन होते हैं टू द एक्सपेरिमेंटल कंप्लीटली एट रैंडम, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल यूनिट असाइन करें कंप्लीटली तौर पर एट रैंडम। दैट इज द रैंडमाइजेशन इज डन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाने के बगैर जो हमने, अब रैंडमाइजेशन क्या है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाए बगैर अगर हम किसी ट्रीटमेंट को किसी भी एक्सपेरिमेंटल यूनिट को अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा वो सी आर टी। द
द डिज़ाइन इज कम्प्लीटली फ्लेक्सीबल। अब ये क्या है, फ्लेक्सीबल है, एनी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स एंड एनी नंबर ऑफ यूनिट्स पर ट्रीटमेंट मे बी यूज। क्लियर। अ कम्प्लीट रिकोगनाइज डिज़ाइन इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट यूजफुल इन सिचुएशन वेयर द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स आर होमोजेनियस। अ कम्प्लीट रेंडोमाइज डिज़ाइन क्या है, मोस्ट यूजफुल इन सिचुएशन, जहाँ कहाँ अप्लाई होगा, जहाँ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स क्या होंगे, होमोजेनियस होंगे, एक जैसे होंगे। जैसे अगर हम किसी चाह रहे हैं कि किसी ज़मीन पर कर लें जो प्लाट्स एक जैसे होंगे, फॉर एग्जांपल क्रॉप के लिए, तो एक जैसे जो प्लाट होंगे, होमोजीनियस होंगे, उनके ऊपर अगर हम ट्रीटमेंट लगाना चाहें तो सीआरडी की निस्बत, यानी कि सारे एक जैसे हैं। दस दूसरा क्या, द एक्सपेरिमेंट आर रिलेटिवली स्मॉल, एक्सपेरिमेंट्स जो है रिलेटिवली स्मॉल यानी छोटा हो। और थर्ड क्या है, द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट इज रिलेटिवली स्मॉल, जो ट्रीटमेंट्स हैं वो भी रिलेटिवली स्मॉल हों, तब हम ये सी आर डी अप्लाई कर सकते हैं। अ कम्प्लीट रेंडोमाइज डिज़ाइन रिलाइज ऑन रेंडोमाइजेशन टू कंट्रोल फॉर द इफेक्ट्स ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल। रिलाइज ऑन रेंडोमाइजेशन पे है, टू कंट्रोल द इफेक्ट्स फॉर कंट्रोल फॉर द इफेक्ट्स ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक्सट्रेनियस वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अलावा अदर वेरिएबल्स होते हैं। The experimenter assumes that on average extraneous factor, जो extraneous factor हैं will affect treatment conditions equally. वो क्या कर रहे हैं, treatment conditions को equally affect कर रहे हैं। हम क्या assumes कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि क्या average extraneous factor जो हैं affect कर रहे हैं हर एक treatment को equally तौर पर, उसको इक्वली तौर पर इफेक्ट कर रहे हैं। सो एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन कंडीशंस कैन फेयरली बी एट्रीब्यूटेड टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये हो गया, कोई भी कंडीशन हम लगाते हैं फेयरली एट्रीब्यूट हो जाएगी टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यूजेज ऑफ सी आर डी, सिंपलेस्ट डिजाइन टू यूज, डिजाइन कैन बी यूज व्हेन एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स आर एसेंशियली होमोजीनियस। क्या सिंपलेस्ट डिज़ाइन है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, डिज़ाइन कैन बी यूज व्हेन एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स आर एसेंशियली होमोजीनियस, बिकॉज ऑफ होमोजीनिटी रिक्वायरमेंट इट मे बी डिफिकल्ट टू यूज दिस डिज़ाइन फॉर फील्ड एक्सपेरिमेंट्स। होमोजीनिटी की वजह से फील्ड एक्सपेरिमेंट में हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि फील्ड एक्सपेरिमेंट में यूनिट्स जो हैं होमोजीनियस नहीं होते। द सी आर डी इज बेस्ट सुइटेड फॉर एक्सपेरिमेंट्स विद द स्मॉल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स। कब बेस्ट सुटेड होगा, जब स्मॉल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स होंगे, इन नंबर ऑफ ट्रीटमेंट स्मॉल होंगे। क्लियर। रेंडोमाइजेशन प्रोसीजर क्या है, ट्रीटमेंट्स आर असाइंड टू एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स कम्प्लीटली एट रैंडम। तो क्या होते हैं, जो ट्रीटमेंट हैं वो असाइंड होते हैं किसको, एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को, कम्प्लीटली एट रैंडम। क्लियर। एवरी एक्सपेरिमेंटल यूनिट हैज द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग एनी ट्रीटमेंट। एवरी जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट है द सेम, क्या उसकी प्रोबेबिलिटी असाइनिंग होने की, क्या रिसीविंग ट्रीटमेंट की सेम प्रोबेबिलिटी होती है, कोई भी ट्रीटमेंट किसी भी एक्सपेरिमेंटल यूनिट को मिल सक, किसी भी एक्सपेरिमेंटल यूनिट पर हम अप्लाई कर सकते हैं। रेंडोमाइजेशन इज परफॉर्म्ड यूजिंग अ रैंडम नंबर टेबल। अब रेंडोमाइजेशन किसके जरिए हम कर सकते हैं, यहाँ तो एक रैंडम नंबर टेबल होता है, उसके जरिए या कंप्यूटर के जरिए या प्रोग्राम एटसेट्रा। Advantage of CRD, very flexible design, number of treatments and replications is only limited by the available number of experimental units. क्या हो जाते हैं, limited होते हैं, flexible design है, क्या है कि इसमें treatment और replicates जो होते हैं क्या होते हैं, limited होते हैं। Statistical analysis is simple compared to other design. स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिंपली सिंपल कंपेयर टू अदर डिज़ाइन के, क्या इसका एनालिसिस सिंपल है। लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यू टू मिसिंग डाटा इज स्मॉल कंपेयर टू अदर डिज़ाइन। इंफॉर्मेशन का लॉस कम होता है दूसरे डिज़ाइन की नस्बत, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर द एरर सोर्स ऑफ वेरिएशन। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका लार्ज होता है जिसकी वजह से। अब डिसएडवांटेज की तरफ चलते हैं कि क्या, एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स आर नॉट होमोजीनियस। एंड यू, जब एक्सपेरिमेंटल यूनिट होमोजीनियस नहीं होंगे तो आप, यू फेल टू मिनिमाइज दिस वेरिएशन यूजिंग ब्लॉकिंग, यू फेल टू मिनिमाइज दिस वेरिएशन यूजिंग ब्लॉक, ब्लॉकिंग को यूज करते हुए जो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। देयर मे बी अ लॉस ऑफ प्रिसीजन,
यूजली द लेस एफिशिएंट डिज़ाइन अनलेस एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स आर होमोजेनियस। लेस जो एफिशिएंट डिज़ाइन है अनलेस के एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स आर होमोजेनियस भी है, तब भी ये क्या है लेस एफिशिएंट है, नॉट सुटेड फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स। क्या नहीं है सूटेबल क्या जब लार्ज नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स होंगे। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मजीद फिर हम इसको एक्सप्लेन करके इसकी एग्जाम्पल करेंगे सी आर डी आर सी बी डी और लैटिन स्केयर की। ये बेसिक डिज़ाइन हैं जो क्या होते हैं अप्लाई हो रहे हैं किसमें, आपके जो बायो साइंसेज हैं इसमें। ये काफ़ी बार ये पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, आपने अच्छे तरीके से इसको इसकी ये स्लाइड्स को रेडी कर लेना है लेक्चर को, इंशाल्लाह आपका अच्छा हो जाएगा ये सारा काम।